तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। धारा 107 CRPC की बात हम करेंगे आज। धारा 107 क्या होती है और अगर इसको लग जाने से क्या हमें नौकरी भी नहीं मिलती है सरकारी, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। एक अन्य दशाओं में धारा 107 कायम किया जाता है, क्या है वो नियम। पहला आप देख सकते हैं, पहला कब धारा 107 लगेगा, जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को खबर मिलती है कि संभावित कोई व्यक्ति परिशांति भंग कर या लोक परिशांति भंग करने के लिए ऐसा कार्य कर रहा है, क्या उसकी ऐसी मंशा है, क्या उसकी संभावना है, या उसके ऐसे कार्य करने से परिशांति भंग हो जाएगी, लोक शांति भंग हो जाएगी, तो तब इस राय पर कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार मिल जाता है ऐसे व्यक्ति, और इसके पश्चात ही उपबंधी रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह किस कारण से यह अधिक लोक शांति भंग करना चाहता है। यह कारण दर्शित होने पर 1 वर्ष से अधिक इसकी अवधि के लिए जितनी मजिस्ट्रेट नियुक्त करना ठीक समझे परिशांति कायम करने के लिए उसे प्रतिभाओं सहित या अनरहित बंद पत्र निष्पासित करने के आदेश दे सकता है। और कब लगता है, नंबर 2, इस धारा के अधीन कार्रवाई किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष तब की जा सकती है जब या तो वह स्थान या परिशांति भंग या विक्षोभ की आशंका है उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर है, या ऐसी अधिकारिता के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी अधिकारिता के परे संभवत है परिशांति भंग करेगा या लोक परिशांति विक्षुभ करेगा यथावत कोई सदोष कार्य करेगा। इसका मतलब अगर आप कोई शांति भंग करते हैं तब मजिस्ट्रेट आपको गिरफ्तार कर सकता है और 1 साल या उससे अधिक को आपको नजरबंद या कैद कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत। क्या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।